हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम IRFC के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी सीरीज चल रही है इंडियन रेलवे के सब्सिडरी कंपनीज को जानने के लिए। तो आज हम उसी का तीसरा वीडियो लेके आ गए जिसमें हम IRFC को समझेंगे। और मैं आपको बता दूँ, जितनी भी कंपनीज है इंडियन रेलवे की सब्सिडरी में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कंपनी है उसकी, मतलब कि IRFC, जो कि आप आगे समझेंगे धीरे धीरे। तो IRFC का जो मतलब होता है, तो वो होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि IRFC का मेन फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पर जो FC है, जिसका मतलब है फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो यही इसका मेन मीनिंग है इस कंपनी का। तो ये कंपनी जो है, ये इंडियन रेलवे को फाइनेंस देती है, मतलब कि इंडियन रेलवे के जितना भी फाइनेंस है, फाइनेंशियल जितना भी एसेट्स है या फिर कुछ और रोलिंग स्टॉक है, वो सबका सब यही कंपनी हैंडल करती है। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी आती है। और इसकी जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसे सबसे ज्यादा ओन कौन कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन करती है। और वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इसे संभाल कौन रहा है, तो इसे संभालने वाले जो लोग हैं वो है इंडियन रेलवे। मतलब कि इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन डिसाइड कर रहा है? इंडियन रेलवे डिसाइड कर रही है। और कब फाउंड हुई थी? तो ये फाउंड हुई थी 12 दिसंबर 1986 को। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पहले इस कंपनी को लाया गया था। और क्यों लाया गया था वो मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनेंस को हैंडल करती है इंडियन रेलवे। और इसके चेयरमैन एंड CEO फिलहाल अमिताभ बनर्जी है, जो कि 2019 से बने हुए हैं। और इसका हेडक्वार्टर आता है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ आपने सबसे पहले बेसिक डिटेल्स जानी, अब हम आगे का प्रोसीजर समझते हैं। तो अब आप एकदम अच्छे से समझिए कि आखिर IRFC का काम क्या है, मतलब कि एकदम मेन काम क्या है, और कैसे इंडियन रेलवे का सारा फाइनेंशियल लुकआउट कर रही है। तो अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि इंडियन रेलवे जो है हमारी, मतलब कि भारतीय रेल, तो ये जितना भी विकास कर रही है या फिर जितने भी जैसे कि रोलिंग स्टॉक्स खरीद रही है। रोलिंग स्टॉक्स का क्या मतलब है? तो उनका मतलब जैसे कि कोचेज हो गए, वैगन्स हो गए, जितने भी मतलब रोल कर रहे हैं तो रोलिंग स्टॉक हो गए। तो ये सब चीजें जितने भी खरीद रही है, या फिर जो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है, या फिर कुछ और डेवलपमेंट बिल्डिंग्स बना रही है, या फिर स्टेशन में कुछ चेंज कर रही है, तो इन सब के लिए भाई क्या चाहिए? चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? अब जैसे सरकार ने बजट में एकदम ऐलान कर दिया कि इतना सारा बजट हमें इस चीज के लिए देना है, इस चीज के लिए देना है, इस चीज के लिए देना है। अब सरकार ने तो बता दिया कि इंडियन रेलवे को इस साल क्या क्या काम करना है, लेकिन इतना सारा पैसा अचानक से कैसे आ जाएगा? भाई इंडियन रेलवे की जितनी भी अर्निंग है, तो वो इतनी ज्यादा तो नहीं होगी कि जितना इनका डेवलपमेंट अभी फिलहाल हो रहा है तो पूरा का पूरा निकाल दे। तो भाई अब आपको जो मनी चाहिए, तो आप लाएंगे कहाँ से? उस मनी को लाने के लिए IRFC कंपनी बनाई गई। तो जितना भी इंडियन रेलवे का पैसे से रिलेटेड काम हो गया, तो सबका सब IRFC ही देख रही है। मतलब जितने भी डेवलपमेंट है, जितना भी कुछ है, तो उसके लिए पैसा इंडियन रेलवे कहाँ से ला रही है? तो IRFC कंपनी से ला रही है। तो यहाँ तो आप ये समझ गए कि IRFC को इंडियन रेलवे के मैनेजमेंट के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि आखिर IRFC कहाँ से पैसा ला रही है। तो मैं आपको बता दूं, IRFC NBFC कंपनी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि देखिए RBI में रजिस्टर करी गई है, जिसका मतलब है कि ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं आती है, लेकिन ये फाइनेंशियल कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अंडरटेक करता है, ये तो अब मैंने आपको पहले बता ही दिया। साथ ही अब क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इससे जितने भी लोन्स हैं या फिर इसके पास जितना भी पैसा है, तो बड़े आराम से उसको मिल जाता है। कोई भी विदेश की कंपनी हो चाहे फिर इंडिया की कंपनी हो, तो सबके सब इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं बड़े आराम से। अब जो हमारी इंडियन रेलवेज है, तो मान लीजिए वो कुछ भी खरीद रही है, या फिर वो कुछ भी मान लीजिए बिल्डिंग बना रही है, तो वो क्या करती है? IRFC के नाम पे खरीदती है। मतलब कि IRFC के नाम पे इंडियन रेलवे ने असेट्स खरीदे, अपने सारे जितने भी काम है, तो IRFC के नाम पे उसका पैसा लिया। तो IRFC ने कैसे पैसा लाया? तो भैया जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उससे IRFC ने कुछ पैसा ले लिया। नहीं तो जो LIC है, तो LIC भी इसे आराम से पैसा दे देती है। उसके बाद तब भी अगर इसे कम पड़ता है, तो उसके पास फॉरेन बॉन्ड्स भी हैं, जिससे कि ये बड़े आराम से पूरा का पूरा फंड मैनेज कर लेती है। मतलब कि जितना भी पैसा है उसे वो आराम से ले लेती है। और वहीं अगर हम इंडियन रेलवे की भी बात करें, तो जब ये इंडियन रेलवे को पैसा देती है, तो उसे लीज में दे रही है। लीज का मतलब हो गया है कि आपको धीरे धीरे जो है इसका पैसा पूरा का पूरा चुकाना है। और कितने सालों में चुकाना है? तो इसकी जो लिमिट होती है वो मोस्टली केसेस में 30 ईयर्स की रहती है। मतलब कि मान लीजिए IRFC ने इंडियन रेलवे को पैसा दे दिया, अब जितना भी पैसा दिया है, तो इंडियन रेलवे को उसे 30 ईयर्स में वापस लौटाना होगा। और जैसे ही इंडियन रेलवे सारे के सारे पैसे IRFC को वापस लौटा देगी, तो IRFC क्या करेगा? IRFC उन सारे एसेट्स को इंडियन रेलवे के नाम में कर देगा, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल IRFC के नाम पे थे। और जैसे ही भाई रेलवे ने पूरा पैसा चुका दिया, तो फिर जितनी भी बिल्डिंग है, जितना भी डेवलपमेंट है, जितने भी रोलिंग स्टॉक है, तो वो सबका सर भारतीय रेल के नाम पे कर देगा। और साथ ही मैं आपको इसका रेट बताऊं कितना है, तो जितने भी रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड असेट्स हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 0.4% ये इंटरेस्ट ले रही है। आप सोच पा रहे हैं 0.4% कितना मामूली इंटरेस्ट है? वहीं अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही है, तो उसके लिए 0.35%, मतलब कि और कम हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कितना ज्यादा कम इंटरेस्ट पर ये इंडियन रेलवे को लोन प्रोवाइड कर रही है। और बाकी अगर कोई और काम भी रहे, तो 0.8% तक ये इंटरेस्ट ले लेती है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि टोटल 1% भी इंटरेस्ट नहीं लेती है किसी भी चीज में।
तो यही चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इंडियन रेलवेज के पूरे फंड को ये मैनेज कर ले रही है, और मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत ही कम इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत ही कम ब्याज दरों पे भारतीय रेल को ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स दे रही है, उसका फाइनेंस कर रही है, और अपने आप को भी ये बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैनेज कर रही है, क्योंकि ये कंपनी फिलहाल एक भी घाटे में नहीं है। अब यहाँ पर आप थोड़ा और समझिए इस कंपनी के बारे में, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, चलिए समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये टोटली रिस्क फ्री कंपनी है, मतलब कि इसमें एक भी रिस्क नहीं है, बड़े ही आराम से इसने जितने भी कर्जे लिए सब के सब चुका दिए हैं, और इंडियन रेलवेज भी लगभग इसको सारे के सारे कर्जे बड़े आराम से चुका देती है। बाकी इस कंपनी के बारे में समझिए कि इसने टोटल कितना फाइनेंस या फिर लीज किया है, और क्या क्या चीज़ है, वो भी कितने परसेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है रोलिंग स्टॉक, जो कि 61% है। तो मतलब इस कंपनी ने जितनी भी चीजें फाइनेंस की है, तो उसका टोटल 61% सिर्फ और सिर्फ रोलिंग स्टॉक्स को ही किया है। अब रोलिंग स्टॉक का मतलब यही हो गया कि हमारे वैगन, कोचेज या फिर इंजन। वहीं इस कंपनी ने 36% डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में दिया है, मतलब कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है, भले ही वो स्टेशन की बिल्डिंग हो या फिर रेलवे क्वार्टर हो या फिर कुछ भी तरीके से जो भी रेलवे में काम आ रही हो बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग को लीज करने के लिए लगभग इसने अपना 36% दिया है, और बाकी जो 3% बच जाता है, तो ये कंपनी रेलवेज की सब्सिडियरी कंपनीज को भी फाइनेंस करती है। अब जैसे कि IRCTC हो गई, रेलटेल हो गई, KRCL मतलब कि कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, साथ ही साथ RVNL, तो ये जितनी भी कंपनीज हो गई है या फिर इसके अलावा जितनी भी सब्सिडियरीज कंपनी है, तो वो भी भैया पैसा कहाँ से ले रही है, तो वो भी IRFC से ही पैसा ले रही है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टोटल बजट का 61% इसने रोलिंग स्टॉक पे लगाया, 36% इसने डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में लगाया, और 3% सब्सिडियरी कंपनीज को पैसा देने के लिए लगाया। अगर हम टोटल आंकड़े की बात करें, तो टोटल 71,000 कोचेज या फिर जो डिब्बे होते हैं, तो उसे इसने फाइनेंस किया है। टोटल 2,60,000 वैगन इसने फाइनेंस किया है, मतलब कि 2,60,000। अगर हम बाकी पूरा का पूरा टोटल किया जाए कि इसने कितने करोड़ का फाइनेंस किया है इंडियन रेलवेज को, तो यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं, 2,22,307 करोड़, मतलब कि 2,22,307 करोड़ अब तक के इसने फंड किया है इंडियन रेलवेज को। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये भैया, इतना सारा पैसा इसने अभी तक इंडियन रेलवेज को दे चुकी है, और आगे तो चल के इसे और बढ़ना ही है, क्योंकि फिलहाल की जो गवर्नमेंट है तो वो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और जितना डेवलपमेंट कराओगे पैसा तो उतना लगना ही है, तो सारा का सारा अभी IRFC को ही संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये, क्योंकि इतना सारा पैसे को हैंडल कर रही है। और वहीं मैं आपको बता दूं, जनवरी 2021 से NSE और BSE में भी आ गई थी, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक मार्केट रहता है हमारा, वहां पर इसका IPO आया था जनवरी 2021 में। IPO का क्या मतलब है? तो IPO का मतलब ऐसा होता है कि जब कंपनी मार्केट में एंटर करती है तो IPO निकालती है। उसके बाद से फिलहाल तो ये स्टॉक मार्केट में उतना कुछ प्रॉफिटेबल नहीं रही है, लेकिन तब भी अपना जो है नॉर्मल पेस में चल रही है। और अब हम इसके प्रॉफिट लॉस की भी बात करते हैं, और एक साल में इसकी नेट इनकम वगैरह कितनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, IRFC का मैं आपके पास डेटा लेके आ गया हूँ, तो ये डेटा 2020 का है, फिलहाल आगे का डेटा अभी तक आया नहीं है इसका, जब कंपनी अपडेट करेगी तो वो भी आ जाएगा। तो उसका जो रिवेन्यू है, तो वो है 13,823.45 करोड़। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, तो वो है इसकी 13,740 करोड़। और नेट इनकम की बात करें, मतलब कि साल भर में कितना कमाती है, तो वो है 3,660 करोड़। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसकी इनकम कितनी ज्यादा है, साल भर में भी भैया ये 4,000 करोड़ के लगभग कमा ले रही है। और वहीं अगर हम इसके टोटल एसेट्स की बात करें, तो एसेट्स जिन भी लोगों को नहीं समझता, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जितनी भी जायदाद है या फिर प्रॉपर्टी है, जितनी भी अगर आप आसान शब्दों में कहें, तो वो इसके पास कितना है, तो वो है टोटल 2,06,604 करोड़ का, मतलब कि 2,06,604 करोड़ रुपीज का। तो इतने इसके पास इतने सारे असेट्स है, जो कि फिलहाल तो इंडियन रेलवेज के लिए लिए होंगे और इंडियन रेलवेज के नाम पे आगे हो भी जाएंगे धीरे धीरे। और वहीं अगर हम इक्विटी की बात करें, मतलब कि शेयर मार्केट में कितने रुपीज के शेयर है इसके, तो वो है 13,586 करोड़। और ये सारा का सारा आंकड़ा 2020 का है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आगे चल के चेंज हुआ होगा, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं। और बाकी अगर आपको इसके ऊपर अपडेट जानते रहना है, तो फिर आप विकीपीडिया में देख सकते हैं, कभी ना कभी वो लोग अपडेट करते रहते हैं ये सारे के सारे आंकड़ों को। तो आई होप आज आपने IRFC कंपनी को बहुत ज्यादा अच्छे से जान लिया होगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी आखिर क्यों है। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है इस कंपनी के बारे में, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।